ग्रामीण क्षेत्रों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से अब भी लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने मजबूर हैं और यही वजह है कि उनकी जान से झोलाछाप डॉक्टर खिलवाड़ कर रहे हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र से सामने आई इस घटना में एक ग्रामीण युवक मौत के मुंह में है, जिसका इलाज शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में कराया जा रहा है, जहां 10% ही उसकी बचने की उम्मीद है, जहां चिकित्सक सघन उपचार में जुटे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम वेद परसदा निवासी हेतराम पटेल 40 वर्ष को साधारण सर्दी बुखार की समस्या आई थी, जो 31 अगस्त को गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर निखिल विश्वास के पास इलाज कराने गया, जहां बंगाली डॉक्टर द्वारा एक इंजेक्शन लगाकर कुछ गोलियां खाने के लिए दी गई। डॉक्टर द्वारा किए गए उपचार की कुछ घंटे बाद इंजेक्शन लगाए गए स्थान में सूजन एवं काले घाव होने की स्थिति निर्मित होने लगी, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी ले गए, जहां के डॉक्टरों द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए शीघ्र ही उसे सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर स्थानांतरित किया गया। विगत कई वर्षों में झोलाछाप क्लिनिक में इलाज कराने से कई मौतें हो चुकी है, वहीं कई लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन ठोस शिकायत न होने की वजह से कोई बड़ी कार्यवाही नहीं होती। लेकिन इस ओर स्वास्थ्य महकमा उदासीन बना हुआ है, जिनके द्वारा जानकारी एकत्र कर ऐसे झोलाछाप क्लिनिक पर कार्यवाही नहीं की जा रही है और ग्रामीण ऐसे झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सर्दी जुकाम था और वो इंजेक्शन लगवाने के लिए गया थी सर को, उसके बाद सडनली रात में उसको प्रॉब्लम होने लगा, पेन होने लगा, तो हमने बोले नॉर्मल पेन है, फिर थोड़ा सा पल्स सिकाई करवा दिए। फिर रात को 2 बजे ऐसे हुआ ना कि उसको जो एरिया था जहाँ पर इंजेक्शन लगा था वो काला पड़ने लगा। फिर हम उसको लेकर के समझाई बात के मजबूरी आए, तो मजबूरी ने भी टेजर देख के बोला कि इसको क्यों से लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद सीधी पर करवाएं, शाम 5:30 बजे तक ऐसे हुआ कि थोड़ा और फैल गए, फिर सिम्स लेके गए तो फिर और फैल गया। फिर वहाँ के डॉक्टर बोले कि इनको रायपुर लेके जाना पड़ेगा। फिर हम लोग बंगाली को भी संपर्क किए जो उनको इंजेक्शन लगाए थे, तो आया देखा, फिर अपने डॉक्टर के पास लेके गया। उसके बाद फिर वहीं से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वीटमेंट करवाया, फिर बोलता ये उनके खुद का ही वजह से है। फिर हम लोग इसको महादेव लेकर दिया, फिर महादेव के डॉक्टर बोले कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, इसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तुरंत हम लोग इसके लिए ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोले कि करवाना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बार बार उसको सीरियस करना पड़ेगा। हम बंगाली के पास ही गए, कौन बंगाली, निखिल विश्वास के पास गए, तो वो बोलता है कि मेरी दवाई की वजह से ऐसे कुछ नहीं है। हम उसको 2-3 बार संपर्क किए, लेकिन वो समझ अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे भाई का जितना भी ट्रीटमेंट हो रहा है, पैसा लग रहा है, वो पे करे, और आगे जाके वो तो काम करने नहीं सकेगा, हमारे अकेले घर का वो कर्ता धरता है, तो वो कैसे चलाएगा अपना घर परिवार, बताइए। इसके लिए हमको तो कुछ न्याय चाहिए, उसको तो देना पड़ेगा। तो अभी कार्रवाई चाहते हैं कि आप उसका जो माइनस उसका मांग कर रहे हैं? अभी वेद परिषद सरपंच महोदय के द्वारा एक शिकायत मिली है कि वहाँ पे इंजेक्शन लगाने से कोई व्यक्ति जो है गंभीर हो गए हैं करके। इनकी शिकायत से अभी हम लोगों ने TI साहब से बात की है, तो उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही कुछ की जा रही है, और अभी SDM साहब से चर्चा करने के लिए आगे कार्यवाही के लिए टीम आपको लिखूंगा, और अपना जो टीम है उसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जी अभी अब जैसे बिलासपुर नर्सिंग होम एड के टीम जो है भ्रमण करती रहती है, और अगर वहाँ से नहीं हो पाएगी तो फिर हम लोग अपने ब्लॉक से टीम बना के इसके लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे।